हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, सभी साइंस के लिए होगी, सभी जेंडर के लिए होगी। अगर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होगी, आप जब भी चाहें इस रीडिंग को देख सकते हैं, या आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। जब तक हम कार्ड शफल करते हैं, आप अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिव सोचिए, अपने पार्टनर पर फोकस बना के रखिए। जब आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा था, उस टाइम को आप याद कीजिए और पॉजिटिव रहिए। गाइस, बॉटम में है द चैरियट। आई होप आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है, गाइस, आपके पार्टनर के बीच में और आप दोनों के रिलेशन के बीच में अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी और आप ये सोच रहे थे कि आपका पार्टनर आपको प्यार नहीं करता, तो आपके पार्टनर आपके साथ वापस कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं। वापस आप दोनों का रिलेशन शुरू होगा। जितना प्यार आप उन्हें करते थे, उतना ही वो आपको लौटाएंगे। आप दोनों के रिलेशन में जितना भी प्यार पहले था, उतना वापस वो आपको लौटाने की सोच रहे हैं। अगर आप दोनों मैरिड हैं और अभी सेपरेशन हुआ हुआ है आप दोनों के बीच में डिवोर्स का केस चल रहा है, कुछ टाइम के लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, तो आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। और मुझे किसी के लिए ऐसा यहाँ दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो गया है। यहाँ पर है हमारे पास 7 of Cups। आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हो सकती हैं, या फिर आप दोनों के बीच में स्टेटस का फ़र्क हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं और इस चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई हो। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर को आपकी ज़्यादा वैल्यू हो रही है, उनका ध्यान और किसी चीज़ पर भी नहीं जा रहा है। यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर आपके साथ वापस रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। वो एक आपके साथ कॉल मैसेज पर बात करके सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं और आपको खोना नहीं चाहते हैं। गाइस, आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आपने या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था तो वो दूसरे नंबर से आपको देख देंगे आप कब तक ऑनलाइन हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पे अपने फोटोग्राफ्स डालते हैं तो वहाँ भी आपको स्टॉक करते रहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें आपकी कमी का एहसास हो रहा है। फुल मून आने वाला है, बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा, इसलिए आप अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखिए। किंग ऑफ वैंड्स। गाइस, आपके पार्टनर मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं दोनों, अगर आप मेल देख रहे हैं तो फीमेल के लिए देखेंगे आप। और आपके पार्टनर जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम चल रही थी उसको ख़त्म करेंगे, वो स्टैंड लेंगे आपके लिए। फैमिली अगर थर्ड पार्टी थी तो फैमिली के साथ वो बात कर सकते हैं आपके रिश्ते के लिए, फैमिली को मना सकते हैं। और अगर किसी रिलेशन में वो थे वहाँ पर और किसी दबाव में थे, तो वहाँ से वो स्ट्रांगली गुस्सा करके और उस कनेक्शन को ख़त्म करके आपकी तरफ आएंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। आपके बिना वो बहुत ज़्यादा उदास है। जिस तरीके से वो आपकी लाइफ से चले गए थे आपको छोड़कर, उसी तरह से वो सारी चीज़ों को, वो फोटोग्राफ्स, वो चैट, सब चीज़ों को वो याद कर रहे हैं। 8 of Cups का कार्ड हमें बताता है कि वो उन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा घुल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। गाइस, यहाँ पर कोई फीमेल फिगर हो सकती है, हो सकता है उनकी मदर हो सकता है आपके पार्टनर किसी फीमेल के चक्कर में। अगर आप मेल देख रहे हैं तो उनकी मदर की तक ये बात भी होगी, उनकी फ्रेंड हो सकती है, और कोई थर्ड पर्सन है जो आपकी तरफ आने से आपके पार्टनर को रोकता है बहुत ज़्यादा। लेकिन आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते। एस ऑफ पेंटिकल्स। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं,
आपको ये दिख रहा होगा ये पेंटिकल को कितने संभाल के रखा हुआ है। वो आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो ये जानते हैं कि आपके प्यार की वैल्यू उनको समझ आ रही है। कहीं ना कहीं द चैरियट उनके दिल और दिमाग को वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि मैं नहीं जाऊँ उनकी मेरे पार्टनर की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं एंजल एंड गॉड उनको आपकी तरफ, क्योंकि कुछ कार्मिक रिलेशंस होते हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस होती हैं, कार्मिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको वो टाइम के ऊपर ख़त्म होती हैं, हमें वो चीज़ अपनी लाइफ में देखनी ही होती है, वो कार्मिक सिचुएशंस हमें क्रॉस करनी होती हैं। द चैरियट का कार्ड है, वो उन सब चीज़ अपने दिल और दिमाग पे अगर काबू करने की भी कोशिश करेंगे या थर्ड पार्टी उनको आने से रोकेगी तो भी वो डिसीज़न आपकी ही तरफ लेंगे, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। देख लेते हैं अभी आपके पार्टनर और किस एनर्जी में है ओरेकल डेक से। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा हमारे व्यूवर्स के पार्टनर अभी किस एनर्जी में है, उनके लिए क्या सोच रहे हैं। सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल। गाइज मुझे लगता है कल की रीडिंग में भी यही एंजल आए थे आपके आपके रिलेशन के ऊपर। मैंने अभी कहा कि द चैरियट आया था कि वो गॉड और एंजल्स उनको आपकी तरफ लेकर आएंगे। आर्कएंजल एरियल की आपके रिलेशन के ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, तो आप पूरी एनर्जी में रहिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत होइएगा किसी भी चीज़ में, अपने लाइफ के किसी भी डिसीजन में नेगेटिव मत होइएगा। अप्रिसिएशन गाइस, या तो आप अपने पार्टनर को बहुत अप्रिशिएट करते होंगे हर चीज़ में, आगे बढ़ने में आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया होगा, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपने अपने पार्टनर को सपोर्ट किया होगा हर चीज़ में। आपके पार्टनर भी अभी आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, आपके बारे में उनको कुछ चीज़ें पता चलती होंगी दूसरों से, तो वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते होंगे, बहुत अच्छा फील करते होंगे कि देखो मेरा पार्टनर कितना अच्छा है जिसको मैंने छोड़ दिया था। तो उनको आपको कहीं ना कहीं उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर है हीलर ऑफ द एजेस, आपके पार्टनर को ये समझ आ रहा है कि उन्होंने गलती की है, आपसे दूर होकर, आपसे दूरियाँ बनाकर वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, आपके रिलेशन के ऊपर, आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, इसलिए आप प्लीज़ नेगेटिव मत होइएगा और हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, खुश रहिएगा। ये थी हमारी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।